Guys, 11th standard organization of commerce and management this side CACS Harish Mathariya, fourth number वाला chapter हम लोग start कर रहे हैं जिसका नाम है forms of business organization part one. Done. बड़ा ही प्यारा chapter है. इस chapter के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ? चलो एक काम करते हैं, खुद पढ़ के देख लेते. So बहुत ही प्यारा chapter है बेटा, forms of business organization part one. आ जाओ. सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, private sector organizations में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, इसका मतलब क्या है ना. अब जैसे काफी बार आपने देखा होगा ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट है. एक चीज तो आपको देखती समझ में आ जाती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या मस्त एकदम तैयार होकर ऑफिस में आते हैं, यंग क्राउड, क्लासी फर्नीचर, मस्त मस्त सर्विसेस, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. कंपेयर करके देखो, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है. HDFC मतलब अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस में HDFC की RM आई थी, मतलब रिलेशनशिप मैनेजर है ना. बताओ, एक चेक डिपॉजिट करना है तो उसके लिए खुद HDFC बैंक वाला बंदा या बंदी, खास करके बंदी को भेजते हैं, वो खुद आ जाती है, लाओ सर दो चेक दो, यस और नो. लेकिन वही अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूँ तो कभी कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी आएगा क्या रे चेक लेने के लिए आपके पास? वो तो बोलते भैया आना है तो आ, नहीं तो अकाउंट बंद कर देते रहा. क्लियर है? सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की मैं जब भी बात करता हूं, प्लीज ध्यान देना, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय द, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय द, है ना, बोलो बेटा, प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटीज. कोई मुझे और कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के? एनीबडी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के और कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? फटाफट से, जल्दी जल्दी से, जो भी बच्चा यहाँ पे लाइव है और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है, बेटा आपने सोचना है और मुझे जवाब देना है. बोलो 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 बोलो, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल. ओके, ठीक है, बोलो बेटा. बोलो 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 बोलो, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. कह रहे बाबा बाकी सारी बातें छोड़ दो, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं पट्टा 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 सांगा किए, जाने दो, मैं ही बोल देता हूं. ग्रेट, ओके. सर ये जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, जैसे मैं अगर बात करूँ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक है ना, काफ़ी सारी प्राइवेट आपको कंपनीज मिलेगी, रिलायंस प्राइवेट कंपनी है ना. हाँ वो अलग बात है, प्राइवेटली मैनेज हो रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है. उसके बाद अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ना, LIC के अंदर में भी गवर्नमेंट का स्टेक काफ़ी सारा है. क्लियर है? सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटी. अब जैसे सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओनली लेक्चर, ये क्या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ जी हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा, रिलायंस प्राइवेट कंपनी नहीं है, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. सर मतलब सरकारी है क्या? नो, सरकारी नहीं है. मेजर शेयर कुछ प्राइवेट एंटिटीज के पास है, लेकिन पब्लिक के पास भी उसके शेयर्स है. मतलब रिलायंस कंपनी पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है. मतलब रिलायंस कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यस और नो? हाँ, मेजर शेयर प्राइवेट एंटिटीज के पास है. अब ओनली लेक्चर्स का 100% शेयर मेरे पास है. सो ओनली लेक्चर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इज होल्ली एंड सोल्ली 100% ओन्ड बाय मी. इसका 100% शेयर मेरे पास में, मैनेज बाय द प्राइवेट एंटिटी, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? आ जाओ सर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ाने वाला हूँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपको पढ़ाऊंगा, सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अकेला आदमी ओनर है, अकेला. देन उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और आखिरी में जो भी फल मिलेगा उस फल को आपस में बांट लेंगे, मिलके काम कर रहे हैं, मिलके धंधा कर रहे हैं. उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस,
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली काफी लोगों ने मुंह से सुना होगा, किसी लोगों के मुंह से सुना होगा, बट डोंट वरी, चिंता मत करना, यहाँ पे डिटेल में सब चीज बताऊंगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में एक कर्ता रहेगा, है ना, जो एक लीडर रहेगा, जो सारे HUF के बिजनेस को हैंडल करेगा, यस और नो, बैंकिंग वगैरह में कर्ता की साइन रहेगी। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ेंगे। काफी लोगों ने सुना होगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, फलाना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ढिमकापुर कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, तो उसके बारे में पढ़ाऊंगा, उसके फायदे नुकसान क्या क्या है वो सब पढ़ाऊंगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ना, ये इतनी सारी 6 ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर में। इस टॉपिक के अंदर में टूट गई तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे बेटा, टोटल 6 ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरी बोलते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, अकेला आदमी ओनर है, प्रोप्राइटर अकेला अकेला ओनर है, यस और नो, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले क्या स्टार्ट किया बेटा, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो एंटरप्राइज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट एंटिटीज, उसे हम लोग प्यार से प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो जरा ध्यान देना, प्राइवेट इनिशिएटिव है। जैसे ये ओनली लेक्चर स्टार्ट करने के लिए मेरा प्राइवेट, मेरा पर्सनल इनिशिएटिव था, मेरी इच्छा थी। प्रॉफिट मोटो है क्या? हाँ, हर कोई इंसान जो धंधा कर रहा है कहने की प्रॉफिट मोटो तो रखेगा, ब्रेड बटर के लिए सब कुछ समाज सेवा कर दूंगा तो मैं मेरे बीवी बच्चों को माँ बाप को क्या खिलाऊंगा, सो प्रॉफिट मोटो रहेगा कि नहीं रहेगा। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज इन प्राइवेट हैंड्स, हाँ, ये ओनली लेक्चर्स का जो भी ओनरशिप और मैनेजमेंट है ये मेरे हाथों में है, क्लियर है। सो ये हो गया प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉफिट मोटो के लिए है, प्राइवेट इनिशिएटिव है, ओनरशिप मेरे हाथों में है, मैनेजमेंट मेरे हाथों में है, यस और नो, प्रॉफिट पूरा का पूरा मेरा है, वो अलग बात है, प्रॉफिट ज्यादा बचता नहीं है, इतने कम प्राइस पे तो लेक्चर देते हैं। देन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रन बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न द प्रॉफिट, ये भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, है ना, रन बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे रिलायंस कंपनी की या फिर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बात करो, एक प्राइवेट कंपनी है मेरी नजर में, मेरे भैया की कंपनी है सेल्वस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर में 2 ही डायरेक्टर है, एक मेरा भैया और एक मेरे भैया की वाइफ यानी मेरी भाभी, है ना। ये देखो, अब ये 2 लोगों का ग्रुप इस कंपनी को रन कर रहे हैं, ये भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ही है, प्राइवेट कंपनी रन बाय द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू अर्न द प्रॉफिट। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एंटिटीज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, अच्छे से ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न धंधा बिजनेस, बरोबर है, ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला आदमी ओनर, पार्टनरशिप एक से ज्यादा ओनर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म, जिसके अंदर में उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उस फैमिली के जो मेंबर्स रहेंगे वो उसके अंदर में आ जाएंगे, और एक करता रहेगा जो पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, काफी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा होगा, है ना, जैसे बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी और काफी कोऑपरेटिव, महेश नागरी पद संस्था कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कुछ बैंकिंग बिजनेस में और कुछ NPO में है, यस और नो, तो देखेंगे सारी चीजें। और आखिरी में जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल ये 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मैं आज जानकारी देने की कोशिश करने वालों, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉर्पस एंड मैनेजमेंट में आज 4th नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका नाम है स्मॉल बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्मॉल नहीं बोलेंगे हम लोग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म पढ़ने वाले। मेरे हिसाब से छोटी छोटी है, प्राइवेट सेक्टर मतलब सब छोटी हो गई, लेकिन हम लोगों का चैप्टर का नाम जो है वो है फॉर्म्स ऑफ, कितने प्रकार की, कितने टाइप की, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें सबसे पहली मैं आपको बता रहा हूं प्राइवेट सेक्टर, और उस प्राइवेट सेक्टर में भी और 5 कैटेगरी है, 1, 2, 3, 4, 5। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्म्स है उसमें प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 5 कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशन है, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। सर प्राइवेट सेक्टर के अंदर में 5 है, दूसरा आपने बोला था पार्टनरशिप है, जो सब बताऊंगा सब इसी के अंदर में बेटा, सारी की सारी इसी चैप्टर में आने वाली है। सर मतलब इस चैप्टर के अंदर में बस इतना ही पढ़ना है? जी हाँ, बस इतना ही पढ़ना है, यही आपका टेक्स्ट बुक का 100% सिलेबस है, क्लियर, आ जाओ। सो अच्छे से ध्यान दे दो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल प्रोप्राइटरशिप, दुनिया का सबसे पुराना एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल पार्टनरशिप कंपनी
ऑल ऑफ द अबव, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसमें अकेला सोल यानी अकेला आदमी ओनर है, जैसे काफी बार किराना शॉप के ऊपर नाम लिखा होगा ना, प्रोप्रा प्रो डॉट प्रा डॉट रमेश दड़वी, यानी प्रोप्राइटर अकेला आदमी ओनर है रमेश दड़वी, है ना, अकेला आदमी ओनर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओनली वन ओनर, ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के हाथ में रहेंगे। एग्जाम्पल इसका ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट शॉप, छोटी मोटी दुकानें, गली नुक्कड़, चौक चौराहे पे आपने देखी होगी, यस और नो? बेस्ट एग्जाम्पल है किराना दुकान। अगर वो किराना दुकान किसी अकेले आदमी की है, सर किराना दुकान में भी दो लोग पार्टनर है तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा सोल में, क्लियर है? अकेला आदमी ओनर होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां उसकी, सारा प्रॉफिट उसका, सारा मैनेजमेंट उसके हाथ में, मालिक भी वो, क्लियर? सर उसके अंदर एम्प्लॉय हो सकते ना, हाँ एम्प्लॉय 50 रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालिक एक ही है, उसको बोलेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? सोल ट्रेडिंग कंसर्न के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। और ये इंसान जो अकेला आदमी ओनर रहेगा वो उसका कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और उसका स्किल यूज करेगा धंधा बढ़ाने के लिए, एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द, मैनेज अफेयर्स मतलब क्या, अफेयर मतलब वो वाले अफेयर नहीं, जो भी धंधे के सारे कामधाम है, कामधान वो सब अफेयर्स, जो भी धंधे के कामधाम है वो सब अकेला मैनेज करेगा, प्रॉफिट भी उसको अकेले को मिलेगा, लॉसेस भी उसी का रहेगा, प्रॉफिट भी उसका, लॉस भी उसका, ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेडर और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद इसके फीचर्स देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स ऑफ, ये फीचर्स किसके है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फीचर्स है, सब लोग साथ में रहना, हाँ बोलो क्या क्या फीचर्स है बेटा, इंडिविजुअल ओनरशिप रहेगी, सिंगल ओनर है, ओन्स ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, किसी के साथ शेयर कर रहा है क्या प्रॉफिट वो, नो, अकेला मैं ही हूं, मेरी ओनरशिप, मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस, मैनेजमेंट मेरा, सब मेरा, हाँ एम्प्लॉय में रख सकता हूं, सो नो शेयरिंग, एंजॉय प्रॉफिट एंड बियर्स रिस्क अलोन। अगला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसने खुद ही को काम पे लगा दिया, यस और नो, गेट्स इनकम टू अर्न द लाइवलीहुड, उसकी दिनचर्या के लिए जो भी खर्चे, ब्रेड बटर के लिए काम कर रहा है, लोकल मार्केट ऑपरेशंस, सिंस लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लोकल मार्केट में काम करते, ऐसा कहीं देखा है क्या आपने, अकेला आदमी ओनर है, किराना दुकान का ओनर है और लंदन माल भेज रहा है, दुबई माल भेज रहा है, अफ्रीका माल भेज रहा है, नो, लोकल मार्केट में ही माल बेचता है, लोकल मार्केट, क्यों, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, बड़े लेवल का काम करना है भैया तो सोल प्रोप्राइटरी बंद करो, कंपनी चालू करो, यस और नो? नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इसका लीगल स्टेटस सेपरेट नहीं रहेगा, मतलब ये रमेश किराना और ये है मिस्टर रमेश, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश किराना और रमेश ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। कल चल के रमेश किराना ने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और तो ये अपने रमेश भैया बोल रहे बैंक को, लोन वापस नहीं किया, और रमेश भैया बैंक को क्या बोल रहे, मैंने लोन थोड़ी लिया, लोन तो रमेश किराना ने लिया, अकाउंटिंग करते वक्त सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट करते ना, ओनर अलग, धंधा अलग, नहीं चलेगा, लीगल स्टेटस अलग अलग नहीं है, अकाउंटिंग करते वक्त दोनों अलग अलग है, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश किराना और रमेश भैया दोनों एक ही है, सो लोन भले रमेश किराना ने लिया लेकिन लौटाना तो तुझे ही पड़ेगा, कुछ समझ में आया क्या, यस और नो? कल चल के अगर वो पैसा नहीं देता है तो हम लोग केस रमेश किराना के ऊपर फाइल करेंगे या रमेश भैया पे, रमेश भैया पे, रमेश किराना को क्या हाथ पैर कान्ना मुंह है भैया, लीगल स्टेटस दोनों का सेम है, लेकिन कंपनी के केस में कंपनी अलग है, ओनर अलग है। सर इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया और कंपनी का डायरेक्टर ओनर भाग गया तो कुछ नहीं कर सकते उसका, विजय माल्या, नीरव मोदी, हाँ उसमें अगर ये पता, ये प्रूफ हो गया कि फ्रॉड था तो वहां पे कंपनी और उसका ओनर एक ही ऐसा सोचेंगे, बट अदरवाइज कंपनी और उसका ओनर दोनों अलग अलग है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरी के केस में लीगल स्टेटस दोनों का सेम रहेगा, रमेश किराना ही रमेश है और रमेश ही रमेश किराना है, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, दोनों सेपरेट सेपरेट नहीं है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते वक्त सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट तुम तुम्हारा कुछ भी करो, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से रमेश किराना और रमेश यानी प्रोप्राइटरी बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों एक ही है, ट्रेडर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड सेम। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन ही नहीं है, कोई ऐसा देखा क्या आपने किराना दुकान के ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़ी, या किराना दुकान वाले को हर महीने के महीने कुछ काफ़ी सारे कंपनी को जितने फॉर्म सबमिट करने पड़ते उतने सबमिट करने पड़ रहे हैं, नो, ज़्यादा टेंशन ही नहीं, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब रमेश किराना अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो
तो रमेश भैया को पर्सनल अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा रमेश किराना की उधारी खत्म करने के लिए। मतलब रमेश भैया की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, येस और नो? इफ द असेट्स आर नॉट सफिशियंट टू पे द लाइबिलिटी, रमेश किराना की असेट अगर सफिशियंट नहीं है तो रमेश भैया की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी, चड्डी बनियान तक बिक जाएगी, येस और नो? कछु बात समझ में आई क्या? ये था बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरी। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है, एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आएगा, मेरिट्स प्लस फायदा, डीमेरिट माइनस में लिखा। डीमेरिट बता दो पहले, कम कैपिटल है, ज़्यादा बड़ा धंधा नहीं कर सकते, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी के केस में कंपनी की लाइबिलिटी और ओनर की लाइबिलिटी अलग अलग होती है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी और उसके मालिक अलग अलग है, शेयर होल्डर्स और कंपनी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दोनों सेम है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, छोटा मोटा बिजनेस कब बंद हो जाए, रातों रात बाजार उठ जाए, कुछ कह नहीं सकते, स्टेबल नहीं है। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक ही आदमी चला रहा है, एक आदमी हर चीज में मास्टर नहीं हो सकता है, तो स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा, लैक मतलब नहीं है, कमी है। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। फायदे, इजी टू फॉर्म, आज रात को मेरे मन में आया, कल सुबह में ओनली लेक्चर्स फॉर्म करने वालों हो गया, क्विक डिसीजन ले सकते हैं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अकेला आदमी ओनर हो, क्विक डिसीजन ले लूंगा। मैक्सिमम सिक्रेसी, सब कुछ मेरे पास ही डिटेल, तो सब सीक्रेट रहेगा, डायरेक्ट मोटिवेशन रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, लोअर कॉस्ट है, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी, येस और नो? कुछ बात समझ में आई क्या? तो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। क्लियर, डन, ऑल सेट, पक्का? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो। सो ये था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, प्लस सबसे पहला वाला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जानकारी दूंगा पार्टनरशिप कंसर्न के बारे, पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है, और हमें इस टॉपिक के अंदर में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, उसमें से आज हमने क्या पढ़ लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का इंट्रोडक्शन, एग्जाम में शॉर्ट नोट आए तो ये लिखना है, ओल्डेस्ट सिंपलेस्ट है, अकेला आदमी ओनर है, सिंगल ओनर है, सारी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, लाइबिलिटी उसी की है, प्रॉफिट भी उसी का है, फीचर्स आए तो हमें ये सारे पॉइंट्स लिखना है, बरोबर है? इंडिविजुअल ओनरशिप है, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, लोकल मार्केट ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, बड़े लेवल पे काम नहीं करेंगे, लोकल मार्केट ही रहेगा, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, ज़्यादा लफड़ा नहीं है गवर्नमेंट का, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मेरिट्स और डीमेरिट्स हमने देख लिया, दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म, अकेला आदमी ओनर नहीं है, ओनर एक से ज्यादा है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।